बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन प्लेन इन मॉलिक्यूल, और हमारा मेन टॉपिक है सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स में अब तक हम आइडेंटिटी को डिस्कस कर चुके हैं, रोटेशन एक्सिस को डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन प्लेन। और रिफ्लेक्शन प्लेन तीन तरह की है, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डाईहेड्रल प्लेन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डाईहेड्रल प्लेन, जिसे सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाईहेड्रल प्लेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन, क्योंकि वर्टिकल प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था कि इस प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, यानी वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग होती है। और डाईहेड्रल प्लेन के बारे में भी हम यही कहते हैं कि दिस प्लेन ऑल्सो कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वी कैन से दिस प्लेन इज इलांग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब फर्क सिर्फ इतना है, डाईहेड्रल प्लेन उन मॉलिक्यूल में होगी जिनमें एट लीस्ट दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। दिस प्लेन बाइसेक्ट्स अ पेयर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। डाईहेड्रल प्लेन बाइसेक्ट्स अ पेयर ऑफ C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन दो ऐसे C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करती है जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हों। यानी डाईहेड्रल प्लेन उन मॉलिक्यूल में होगी जिनमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर दो एटलीस्ट दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, और ये प्लेन उन दोनों C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करती हो। डाईहेड्रल प्लेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी वर्टिकल प्लेन इज इलांग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड सिमिलरली डाईहेड्रल प्लेन इज ऑल्सो इलांग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि डाईहेड्रल प्लेन पासिस थ्रू लेस नंबर ऑफ एटम्स, वाइल वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। डाईहेड्रल प्लेन पासिस थ्रू लेस नंबर ऑफ एटम्स, वाइल इसी के आगे हम लिखेंगे वाइल वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एक और डिफरेंस, वर्टिकल प्लेन एटम्स को बाइसेक्ट करती है जबकि डाईहेड्रल प्लेन बॉन्ड्स को बाइसेक्ट करती है। वर्टिकल प्लेन बाइसेक्ट्स एटम्स, वाइल डाईहेड्रल प्लेन बाइसेक्ट्स बॉन्ड। अब देखते हैं कि किन मॉलिक्यूल्स या आयंस में हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है और किन में नहीं होती। द प्रेजेंस ऑफ डाईहेड्रल प्लेन इन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। तो स्टार्ट हम करेंगे वी शेप्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। वी शेप्ड एटम्स या वी शेप्ड मॉलिक्यूल में, वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स या वी शेप्ड आइंस में, इनके एग्जांपल हम मैनी मैनी टाइम्स पढ़ चुके हैं, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनन 3, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ीनान डाइऑक्साइड। और अगर किसी आयन की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाइट्राइट आयन। इनमें डाईहेड्रल प्लेन नहीं होती। वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स या वी शेप्ड आयंस में डाईहेड्रल प्लेन नहीं होती, क्योंकि डाईहेड्रल प्लेन के लिए बेसिक कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में दो C2 एक्सिस हों, दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन हों। जबकि हम पढ़ चुके हैं कि वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स या वी शेप्ड आयन में एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये वीडियो में देखें, ये वी शेप्ड मॉलिक्यूल है और इसमें ये जहाँ से मैंने मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इन मॉलिक्यूल या आयन में एक ही C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जबकि
कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल में, ये देखिए ये सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन है जहाँ पर अभी मैंने इस रॉड को टच किया, जबकि कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल में दो सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन हों और ये प्लेन उन दोनों सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करती हो, और एक और कंडीशन है कि ये दोनों सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हैं। ऐसी कोई प्लेन इन मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती, इसलिए हम कहेंगे कि इन मॉलिक्यूल में सी टू एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है। अब नेक्स्ट, रेगुलर ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल्स आर ट्राइएंगुलर प्लेनर आयंस। इनकी एग्जांपल कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, BH3, BCl3, इनमें भी डाइहेड्रल प्लेन नहीं होते। अब ये देखें ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल देखें इस वीडियो, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसमें एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तीन C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये देखिएगा ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये जो तीन बांड हैं, सपोज कर लें कि ये BH3 का मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम बोरान है जो रेड कलर में शो किया गया है, और ये तीन वाइट एटम हाइड्रोजन के। अब आप किसी भी बोरान हाइड्रोजन बांड से पकड़कर इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसका मतलब है ये तीनों बोरान हाइड्राइड बांड C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, और बज़ाहिर लगता है कि ये प्लेन इन दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट भी कर रही है। ये देखें ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखिएगा ये भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसमें है। ये देखिए ये प्लेन और ये प्लेन, ये तीनों प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग हैं और बज़ाहिर लगता है कि ये दो C2 एक्सिस को भी बाइसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें डाइहेड्रल प्लेन नहीं कहते, हम इन्हें वर्टिकल प्लेन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि कंडीशन ये है कि ये दोनों तरफ सेंट्रल एटम के दोनों तरफ C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करें। इस वक्त ये सेंट्रल एटम के एक तरफ दो C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट कर रही है ये प्लेन, दूसरी तरफ नहीं कर रही, इसलिए इसको वर्टिकल प्लेन कहेंगे, डाइहेड्रल प्लेन नहीं कहेंगे। दोबारा सुन लें, डाइहेड्रल प्लेन के लिए कंडीशन ये है कि ये सेंट्रल एटम के दोनों तरफ C2 एक्सेस के पेयर को बाइसेक्ट करें। मालिक सेंट्रल एटम के दोनों तरफ डाइहेड्रल प्लेन C2 एक्सेस के पेयर को बाइसेक्ट करती हो तब इसे डाइहेड्रल प्लेन कहेंगे, अदरवाइज इट इज ऑर्डिनरी वर्टिकल प्लेन। नाउ रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल, पैरामिडल मॉलिक्यूल में चूंकि C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन होता ही नहीं है इसलिए इसमें डाइहेड्रल प्लेन नहीं होगी। रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल कंटेन्स C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसमें वर्टिकल प्लेन तो है, डाइहेड्रल प्लेन नहीं है। ये आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये देखें ये रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल है, इसमें ये प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में बाइसेक्ट करती है और ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है।
ये देखें, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ से पकड़ के मैं मालिक्यूल को रोटेट कर रहा हूँ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग मालिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया जाए तो मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस मालिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और जिस मालिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन ना हो, उस मालिक्यूल में डाईहाइड्रल प्लेन के पाए जाने का कोई इम्कान नहीं। अब यही मामला रेगुलर ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल मॉलिक्यूल का है। ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल मॉलिक्यूल में भी C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, इसलिए इस मॉलिक्यूल में भी डाईहेड्रल प्लेन नहीं होगी। अलबत्ता रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इसमें 6 डाईहेड्रल प्लेन होती हैं, जिनको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। बल्कि इनको डिटेल से हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, फिलहाल हम स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल पर अलग से एक वीडियो है। रेगुलर स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल और रेगुलर स्केयर प्लेनर आइन, इनमें 2 डाईहेड्रल प्लेन होती हैं, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें 2 वर्टिकल प्लेन भी होती हैं। ये वीडियो देखिएगा। ये देखें, ये वर्ट स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल है और इस स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और इसमें 2 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हैं। C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन का चूंकि ऑर्डर ज़्यादा है, इसलिए C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और ये जहाँ से मैंने मॉलिक्यूल को इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये इसका C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये दूसरा C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इस मॉलिक्यूल में 2 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दोनों बांड के इलांग हैं। अब देखें, ये प्लेन, ये डाईहेड्रल प्लेन है क्योंकि ये दोनों C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन को बाइसेक्ट करती है। और ये भी डाईहेड्रल प्लेन है, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है और मॉलिक्यूल को 2 इक्विवेलेंट पार्ट में, 2 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट करती है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है। ये भी वर्टिकल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है और ये मॉलिक्यूल को 2 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। इन दोनों प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये दोनों प्लेन एटम्स में से पास होती हैं। इसके बरक्स जो डाईहेड्रल प्लेन है वो एटम्स में से पास नहीं होती, वो बॉन्ड एंगल में से पास होती हैं और उन वो भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग होती हैं। ये देखिएगा, ये वर्टिकल प्लेन, जबकि ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, लेकिन ये एटम्स में से पास नहीं होती, ये बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट करती है। हमने कहा था वर्टिकल प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास होगी, जबकि डाईहेड्रल प्लेन मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स में से पास होगी। ये डाईहेड्रल प्लेन है और ये भी डाईहेड्रल प्लेन है। तो स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल में 2 वर्टिकल प्लेन, 2 डाईहेड्रल प्लेन। और यही मामला स्केयर प्लेनर मॉलिक्यूल में, यही मामला स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल में भी है। स्केयर रेगुलर स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस, इनमें भी 2 डाईहेड्रल प्लेन होती हैं और ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल में 2 वर्टिकल प्लेन भी होती हैं। ये देखिएगा, ये स्केयर पैरामिडल मॉलिक्यूल है, ये प्लेन, ये जहाँ से पकड़ के मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका ऑर्डर 4 है, यानी कि ये C4 एक्सिस ऑफ रोटेशन इस मॉलिक्यूल में पाया जाता है। और ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है और मॉलिक्यूल को 2 इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट कर देती है।
और ये प्लेन मैक्सिमम नंबर नंबर ऑफ एटम्स में से भी पास होती है, इसलिए ये वर्टिकल प्लेन है। ये प्लेन भी मॉलिक्यूल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में बाइसेक्ट करती है, और ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, इसलिए ये भी वर्टिकल प्लेन है। अब इसके बरक्स ये प्लेन, ये डायहेड्रल प्लेन है, ये प्लेन भी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग है, और ये प्लेन भी मॉलिक्यूल को दो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट में बाइसेक्ट करती है, लेकिन ये प्लेन दो सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी बाइसेक्ट करती है। सॉरी बच्चों, इसमें मुझे कन्फ्यूजन हो गई। इस मॉलिक्यूल में स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल में सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, इसलिए इसमें डायहेड्रल प्लेन नहीं होगी। आई एम सॉरी, इस बात की करेक्शन कर लें, स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल में डायहेड्रल प्लेन नहीं होती क्योंकि इसमें सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। अब स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में दो सी टू एक्सिस दो डायहेड्रल प्लेन है, लेकिन स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल में डायहेड्रल प्लेन नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इन स्क्वायर प्लेनर इन दीज मॉलिक्यूल्स। देयर आर नो सी टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इन स्क्वायर पैरामिडल मॉलिक्यूल्स। अलबत्ता रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में सिक्स डाईहेड्रल प्लेन है। अब ये थोड़ी देर पहले हमने कहा था रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सिक्स डाईहेड्रल प्लेन है, और अब हम कह रहे हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में भी सिक्स डाईहेड्रल प्लेन है। इनको जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये देखिए, रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस हैव सिक्स डाईहेड्रल प्लेन्स। अब इसकी एग्जांपल में आप ले लें मीथेन, बल्कि बच्चों इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये टॉपिक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, तो वी विल इंशाल्लाह डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।